क्योंकि हर ऐसे पड़ाव पर उत्सव क्यों करते हैं? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, ऐसा चलता है, आश्चर्य पद्धति है। सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली, प्लैटिनम जुबिली तक जाता है। अपने यहां भी ऐसे होता है, एक आयु षष्ट्यब्दी पूर्ति, सहस्त्र चंद्र दर्शन, शताब्दी पूर्ति, हमारी परंपरा में मान्यता है, उसकी विधि है। क्योंकि हर ऐसे पड़ाव पर उत्सव क्यों करते हैं? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, ऐसा चलता है, आश्चर्य पद्धति है। सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली, प्लैटिनम जुबिली तक जाता है। अपने यहां भी ऐसे होता है, एक आयु षष्ट्यब्दी पूर्ति, सहस्त्र चंद्र दर्शन, शताब्दी पूर्ति, हमारी परंपरा में मान्यता है, उसकी विधि है। लेकिन हर विधि में सिंहावलोकन का भाग है, क्योंकि कल्पना यह है कि इतना पार किया तो पार करते समय क्या अच्छा किया और क्या कमियां रही, अगला पड़ाव जाते तक उन कमियों को सुधार कर और जो अच्छा किया है वो और बढ़ाकर चलना। ऐसे ही स्वर्ण जयंती के अधिवेशन में हम पीछे मुड़कर भी देखेंगे और आगे के पड़ाव भी निश्चित करेंगे, तो इसी को सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन यानी केवल पीछे देखना नहीं, आगे जाते समय पीछे देखना और आगे जाना। तो आगे के हमारे बहुत सी योजनाएं वगैरह मन में होगी, चर्चा होगी, निश्चित होगी, परंतु आगे के चिंतन का भी आधार पिछला अनुभव ही रहता है। और इसलिए थोड़ा सा इस दृष्टि से ग्राहक पंचायत का जो कुछ मैंने देखा सुना है, जैसे समाज भी देख रहा है, सुन रहा है, तो समाज के भी मन में कुछ बातें आती होंगी, से मेरे भी मन में कुछ बातें आती है, वो आपके सामने मैं चिंतन के लिए रखने वाला हूं। हम जब बात करते हैं शासन से, प्रशासन से, तो आपको अंग्रेजी का भी उपयोग करना पड़ता होगा। अंग्रेजी का जो उपयोग करते हैं तब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एक्ट, इसे कंज्यूमर शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राहक का भाषांतर अंग्रेजी में कंज्यूमर ऐसा कहते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों की पीछे के भाव जिसके कारण उनमें विशिष्ट अक्षरों का उपयोग हुआ वो अलग अलग है। कंज्यूमर वो है जो भोग करता है, खाता है, और कोई उसमें छटा नहीं है। टू कंज्यूम, टू यूज, टू ईट, ऐसे ही रहता है। आदमी खाता क्यों है? आदमी भूख लगी है इसलिए खाता है, कभी कभी भूख नहीं लगी तो भी खाता है, रुचि अच्छी है इसलिए खाता है। पोषण के लिए खाता है क्या? खाते समय आदमी ये विचार करके खाता नहीं। अब आजकल थोड़ी सी सजगता बढ़ी है और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये भी सब बढ़ा है, इसलिए लोग अपने खाने पीने का विचार कर रहे हैं। लेकिन सदियों से मानवता चली है, जब से अंग्रेजी भाषा चली है तब से कंज्यूमर ये शब्द खाने के लिए आया है।